सबको जय मसीह की, मेरे सारे भाई बहनों को जय मसीह की। मैं आपसे प्रॉफिट बिजेंद्र जी के बारे में बात करना चाहती हूँ। जैसे कि एक जिस लेडीज ने उन पर इल्जाम लगाया है कि उन्होंने रेप का उनके ऊपर उससे रेप किया है, तो उससे जानना चाह रहा हूँ, उससे ये पूछना चाहती हूँ कि जो जो उसने बातें कही, जैसे ढाबे वाली बात उसने कही कि पहले तो मेरे को ढाबे पे लेके जाया गया और वहां पे नशीला पदार्थ मिलाया गया, उसके बाद रेप किया गया, और अब उस लड़की का बयान बदल चुका है कि वो उसे कमरे में लेके जाया गया, सीधा सीधा फ्लैट में लेकर गए और वहां पे उसे नशीला पदार्थ दिया गया। पहली बात उसने ये बात झूठ बोली, उसने ये बात को बदला अपनी बात को। दूसरी बात, जो उनके एडवोकेट ने बात करी है कि फोटो जैसे कि उनके दरवाजे पे लगी हुई थी, प्रॉफिट जी की फोटो लगी हुई है, तो इससे क्या क्या पता चलता है कि वो वहीं पर रहते थे या घर उनके नाम था या वो वहां पे आते जाते थे। ऐसे तो हमारे घर पर ये प्रॉफिट जी की ये कैलेंडर लगा हुआ है हमारे घर में, और हमारी अलमारी में प्रॉफिट जी का ये पोस्टर लगा हुआ है। तो इसका मतलब क्या वो हमारे घर में रोज की रोज आते थे या वो हमारे घर में ही रहते थे? इसका मतलब तो हमारे पास तो ज्यादा सबूत है कि वो हमारे घर में आते थे। हाँ जी, और ये और बातें कितनी सारी उन्होंने कही है। वो लड़की का मेडिकल क्यों नहीं किया गया अभी तक भी? अगर उस लेडीज का हुआ है, रेप हुआ है, तो मेडिकल कैसे नहीं उसका आया अभी तक भी? और वीडियो क्यों नहीं दिखाई गई, जो वीडियो उसने कही है कि मेरी वीडियो बनाई गई है? क्या उन्होंने कहा है कि विजेंद्र जी के पास में वीडियो थी, प्रॉफिट जी के पास वीडियो है उसकी लड़की की, तो अभी तक क्यों नहीं दिखाई गई है? अगर वो वीडियो है तो हमें दिखाई जाए। और फर्स्ट टाइम जब उसको उसके साथ ये सब कुछ हुआ, तो उसने किसी को भी वॉलंटियर को किसी को भी नहीं बुलाया, और वो अकेले क्या करने गई थी उस फ्लैट में? सब अगर मीटिंग होती थी, सबके सब वॉलंटियर्स की मीटिंग होती थी, अकेले तो उसको बुलाएंगे नहीं, और वॉलंटियर्स ने उसको कैसे अकेले छोड़ दिया? कि उसको क्या उन वॉलंटियर्स को नहीं पता कि वो उनको अकेले अकेले बुला रहे हैं? नहीं, ये भी बात उस लड़की की गलत। और उस लड़की के पेरेंट्स कहाँ पर हैं? क्या उसके पेरेंट्स खुद उसे जानते हैं लड़की को कि उनकी लड़की गलत कर रही है, इसीलिए उसका साथ नहीं दे रहे हैं? वो अकेले उस फ्लैट पे करने क्या गई थी अकेले? जब वो एडवोकेट के साथ में गई है वहां पे, अपने लॉयर के साथ में वहां पर गई है चेकिंग करने के लिए, तो उसके माँ बाप उसके घर में, भाई बहन कोई भी नहीं है उसके साथ में जाने वाला जो उसको सही साबित करता हो या उसको जानता हो कि हाँ हमारी लड़की के साथ गलत हुआ है। कोई भी नहीं उसे जानता कि उसने गलत उसके साथ में गलत हुआ है तो हम उसका साथ दें। इसका मतलब उसके घर वाले भी जानते हैं कि वो लड़की गलत कर रही है, प्रॉफिट जी गलत नहीं है। और पहले लड़कियां हैं जिनका न्यूज में दिखाया गया है कि लड़कियां बहुत सारी लड़कियों का शोषण किया गया है, प्रॉफिट जी ने बहुत सारी लड़कियों का शोषण किया है, तो वो लड़कियां कहाँ हैं जिनका शोषण हुआ है और उनकी वीडियोस कहाँ है? वो लड़कियां कोई सामने नहीं आई, सिर्फ यही एक लड़की है जिसको कोई डर नहीं है सामने आने का, बाकी सारी की सारी डरती हैं, सिर्फ यही एक निडर लड़की है। और उन छह लोगों का जो वो नाम ले रही है कि वो छह लोग भी उसके प्रॉफिट जी के साथ में है, वो छह लोग कहाँ हैं? और उसको हमने उस लड़की को खुद देखा हुआ है। अगर वो कह रही है कि उसने ये काम उसके साथ ये हुआ है, सात लोगों ने उसके साथ ये काम किया है, तो वो लड़की के साथ जो छह लोग हैं उसको एक का भी नाम नहीं पता या वो किसी की शक्ल नहीं पता? ऐसा हो नहीं सकता। हम भी वहां पर जाते हैं, हमें भी कुछ इतने हम लोग 1.5 साल हो गया हमें वहां जाते हुए, हम दिल्ली से जाते हैं वहां पर 1.5 साल से, तो हमें भी इतने सारे वॉलंटियर्स का तो हमें भी नाम पता है। तो वो लेडीज तो रोज की रोज उनके बीच में रहती थी, उनको उनमें से किसी का भी नाम नहीं पता था। और अगला मेरा पॉइंट है कि जरूरी नहीं कि चमत्कार जो कह रहे हैं कि मीडिया में बार बार कहा जा रहा है कि चमत्कार नंबर एक प्रॉफिट बाबा ने ये कहा, प्रॉफिट बाबा ने ये करा, प्रॉफिट बिजेंद्र बाबा ने ये करा, 1, 2, 3 इतने सारे उनके बारे में ये चमत्कार चमत्कार जो कह रहे हैं, तो जो उन्होंने किया है वही वो दिखा रहे हैं। लेकिन इसमें ये कहां से प्रूफ हो रहा है कि उन्होंने रेप किया है? और अगर चमत्कार किए हैं तो हमारी जिंदगी में भी चमत्कार हुए हैं जो कि पवित्र आत्मा की मर्जी से, पवित्र आत्मा की के संगति से उन्होंने करे हैं, पवित्र आत्मा की हुजूरी जो उनके हम लोगों के बीच में होती है उससे उन्होंने करे हैं। मेरी मम्मी जो है उनको प्रॉफिट जी ने प्रोफेसी दी थी कि उनका जो लोगों को ये
बीपी माइग्रेन है, उन लोगों के बीपी माइग्रेन जा रहे हैं। मेरी मम्मी ने रिपोर्ट करवाई, उनका बीपी भी गया, उनका माइग्रेन भी गया। तो हम लोग कैसे कह सकते हैं कि वो उल्टे सीधे काम करते हैं? हमें तो कोई ताबीज नहीं दिया गया जिसमें कि वो हमारे लिए ताबीज दे रहे हैं या हमारे लिए कुछ, बल्कि वो तो धागे उतरवा देते हैं। जबकि नजर का धागा किसी, अभी 2-4 दिन पहले ही, थोड़े टाइम पहले एक लड़के ने वहां पे जिसको पैरालाइज था, वो लड़का आया वहां पर, उसको बोला गया, वो जब उन्होंने जब वो स्टेज पे आया गया, उस लड़के ने कहा कि ये काला धागा, उससे पूछा गया ये काला धागा क्यों बांधा गया, तूने क्यों बांधा हुआ है? तो उन्होंने कहा कि मैंने नजर के लिए बांधा, लड़के ने कहा। तो प्रॉफिट जी ने उसी टाइम उससे वो धागा उतरवाया कि ये फालतू के नजर वजर कुछ नहीं लगती है, तो उतारो इसे अभी के अभी। और जब हम भी वहां जाते थे, हमने भी मंदिर के अपने धागे बांधे हुए थे, हमारे हाथों से भी धागे तोड़वाए गए थे कि इन चीजों को पहनने का कोई मतलब नहीं है। तो हम तो आप लोग कैसे कह सकते हैं, मीडिया में ये लोग कैसे कह सकते हैं कि उन्होंने किसी ताबीज के द्वारा हमारे लोगों को ठीक करा है? और अगर ठीक भी करा है, एक बात को आप लोगों की मान ली कि हाँ वो ताबीज से ठीक करे हैं, तो आप लोगों का क्या जा रहा है? लोग तो ठीक हो रहे हैं ना, कोई बीमार तो नहीं कर रहे वो, उनका कोई नुकसान तो नहीं कर रहे ना वो। हम मैं आपसे सिर्फ और सिर्फ यही कहना चाहती हूँ, ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और उस लड़की के बारे में हर एक इंसान को पता चलना चाहिए कि वो लड़की क्या गलत कर रही है। उसके घर वालों को पता चलना चाहिए, उसके घर वालों को रियलाइज होना चाहिए कि हमारी बेटी क्या गलत काम कर रही है, उसको खुद समझाएं। हमारा परमेश्वर हमें सिर्फ यही बताता है कि तुम लोग अपने बैरियों को भी क्षमा करो, हम उसे क्षमा करते हैं, हम चाहते हैं, लेकिन कि वो लड़की हमारे प्रॉफिट जी को जो फालतू में बदनाम कर रही है उनको बाहर करवाए, वो खुद ब खुद अपनी गलती को माने और ये काम जो उसने किया है वो आगे से ना करे। हम फिर भी उसे क्षमा करते हैं, परमेश्वर उसे क्षमा करेगा, मानते हैं हम उसे क्षमा करते हैं तो परमेश्वर भी उसे क्षमा करेगा। आप लोगों से विनती है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ये मैसेज गवर्नमेंट तक पहुंचने पाए, उस लड़की के घर तक पहुंचने पाए जो जिसके घर वाले उसे ये सही समझकर उसको ये काम करने दे रहे हैं। उस लड़की को महसूस होना चाहिए कि मैंने ये गलत किया है। अगर वो लड़की वहां पे चर्च में आती है, हमारे से ज्यादा तो उस लड़की को पता होना चाहिए कि परमेश्वर क्या से क्या कर सकता है उसके गलत काम करने का, उसका नतीजा क्या हो सकता है। वो लड़की जो भी है, हम फिर भी यही कहेंगे कि हम उसे क्षमा करते हैं। सारे अनुज जय मसीह।